नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मगी आवाज। मैं हूं आपके साथ राजा परीक्षित। अभी मैं नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड में हूं। आपको बता दें कि इस जगह जो है ये खकंदुआ है। यहां पे मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय खकंदुआ आया हुआ हूं, जहां का स्थिति आप देख लीजिए। सरकार बहुत शिक्षा को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, यहाँ तो ना ही स्कूल को सुरक्षा के लिए बाउंड्री चारों तरफ मारी गई है और ना ही यहाँ पे कोई शौचालय का व्यवस्था है, ना पानी पीने के लिए चापाकल। आइए हम यहाँ के प्रधानाध्यापक जी से बात करते हैं, जिनका नाम सुनील कुमार चौधरी हुआ। आइए हम आप इनको मिलवाते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या दिक्कत होता है यहाँ का पढ़ाने के लिए, क्या क्या सरकार के द्वारा यहाँ पे सुविधा लानी चाहिए। आइए इस बात मुद्दे को लेकर इनसे बात करते हैं। स्वागत जी, बताइए कि यहाँ पे क्या क्या दिक्कत आपको आती है। यहाँ सर विद्यालय में बाउंड्री नहीं है, पानी पीने का व्यवस्था नहीं है, और जो है सो टीचर का भी कमी है। सर यहाँ 1 से 8 तक क्लास है, लेकिन वो टीचर 8 है, अच्छी 4 है। चार। अच्छा बताइए कि ये जो चापाकल नहीं चलता है, तो खाना बनाने के लिए और बच्चे पानी पीने के लिए कहाँ जाते हैं? पानी दूर से लाना पड़ता है, क्योंकि दूर से पानी लाकर जो है सो विद्यालय को खाना बनाया जाता है विद्यालय में और उसे बच्चों को खिलाया जाता है। सर चापाकल को लेकर कभी आपने ऊपर कोई दरखास्त एप्लीकेशन दिया हुआ है? अच्छा ठीक है, तो क्या बोले सर जी? बोले विभाग को दे दिए हैं और विभाग देखे कब जो आपके विद्यालय में जो है सो पानी की व्यवस्था करती। आपने कभी बात करने की कोशिश की जय साहब से? जय साहब साहब के फोन लगाते हैं सर, वो रिसीव नहीं करते हैं। अच्छा, ये बाउंड्री जो है सर, इस स्थिति देख रहे हैं कि पूरा बाउंड्री, बच्चे जहाँ तहाँ बाहर भाग जाते हैं रोड पे, तो ये बाउंड्री के लिए लेकर भी आप आवेदन दिए? बाउंड्री के लिए आवेदन नहीं दिए सर। अच्छा, लेकिन एक बार जो है सो जेई आए थे, नापी उपी करके ले गए कि बाउंड्री करवा देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ, 2 साल हो गया। कितने पहले आए थे? 2 साल के पहले की बात। अच्छा, और ये जो बाथरूम का जो हालत बेहाल हो चुका है, इस पर आप क्या कहना चाहें? इस पे तो अब ग्रामीण जो है सो विद्यालय को जो है सो कुछ देख रेख नहीं करते हैं सर। आप सरकार के द्वारा क्या क्या अपनी स्कूल यहाँ विद्यालय में एगो बाउंड्री बहुत जरूरी है सर, इससे विद्यालय सुरक्षित रहेगा बाउंड्री से, और जो है सो यहाँ विद्यालय जो है सुरक्षित रहेगा। आप बोले सर कि यहाँ शिक्षक की कमी है, सर इसके लिए कभी आप लोग अति ऊपर आप अपने पदाधिकारी को शिक्षक की कमी के लिए तो विभाग जानकारी है कि कौन सा विद्यालय में कितने टीचर है, ये तो विभाग को मालूम है, इसके लिए एप्लीकेशन किया। सचिव जी से मिलवाते हैं, जिनका नाम सूरजदेव शर्मा हुआ। सर आप बताइए कि इस स्कूल का ये स्थिति है तो कैसा लगता है आपको? यहाँ का स्थिति गंभीर है सर, शौचालय नहीं है, न पानी की व्यवस्था नहीं है, न बाउंड्री की व्यवस्था नहीं हो रहा है आज तक। हम मास्टर जी से कहते हैं, हेड मास्टर को, तो वो कहते हैं कि हम दिए हैं दरखास्त, अभी तक हो नहीं रहा सरकारी से। अच्छा, तो इसके लिए आपके द्वारा कुछ आवेदन दिया गया? नहीं, वो तो हम हेड मास्टर जी से पूछ बोले तो कहें कि हम नापी पू करके ले गए हैं, उसके बाद में आज तक तो 2-4 साल हो गया, बाकी आज तक कुछ हो नहीं, बन रहा नहीं रहा अभी व्यवस्था। देखिए कि चापाकल है, उसमें कचरा आता है, पानी खिचड़ी पकाने के लिए दूसरा जगह से पानी लाया जाता है। क्या बाथरूम के भी समस्या बढ़िया नहीं है सर, गंभीर है। आप पढ़ाई होता है? पढ़ाई तो शिक्षक के कमी के कह रहे हैं कि है शिक्षा को अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा, पढ़ाई पढ़ा रहा है, जो बच्चा ना रहा है सब पढ़िया रहा है, टीचर दिक्कत होता है, दिक्कत टीचर के कमी है। यहाँ पे जब 8 क्लास है, 8 क्लास तक है, तो बताइए कि 4 शिक्षक हैं तो कैसे पढ़ाते हैं? एक शिक्षक एक रूम में 4 क्लास 3 क्लास एडजस्ट करके जो है एक एक घंटे पर जो है सो कम्बाइंड क्लास करके जो है सो पढ़ाते हैं। अब जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय खखंदुआ का जो हाल है बहुत गंभीर दिख रहा है, और यहाँ पे बता दें कि 1 से लेकर 8 क्लास तक है, और जहाँ पे मात्र 4 शिक्षक हैं, जो कि बच्चे को संभालना बहुत दिक्कत होता है, पढ़ाना दिक्कत होता है, क्योंकि प्रत्येक क्लास के अलग अलग शिक्षक होना जरूरी है।